हेलो मतलब सरकार गेम से कैसा आज हम लोग खेलें और आज मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ GTA 6 से कुछ नई लीक्स। तो जी हाँ, GTA रॉकस्टार गेम्स ने जो है एक नई कंपनी खरीद ली है, यानी कि एक नया स्टूडियो खरीद लिया है। साथ ही साथ रॉकस्टार ने जो है और साथ ही साथ जो है रॉकस्टार ने ना और तो और एक नया मैप भी जो है मतलब रिलीज़ हुआ है, जिसे GTA 6 का बताया जा रहा है। तो ये लीक सच है कि नहीं है और इन और भी कई सारी लीक जानेंगे हम आज की वीडियो में। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी लीक्स मिलती रहेगी। और हाँ, इस और वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि जितनी भी लीक्स जो है वो मुझे लेजी असेसिन चैनल से मिली है, तो आप इनके चैनल को भी चेकआउट करके देख सकते हो। और गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रॉकस्टार ने जो है एक नया स्टूडियो ब्लॉक किया है, मतलब खरीदा है। तो उस स्टूडियो का नाम क्या है, तो पहले तो उस स्टूडियो बता देता हूँ मैं। तो स्टूडियो का नाम है रफियन गेम्स। अब इसके अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसने पहले अपना खुद का एक गेम बनाया था, दो लोगों ने इसकी शुरुआत की थी इस स्टूडियो की, जिसमें इन्होंने अपना खुद का एक गेम बनाया था जिसका नाम था क्रैकडाउन। लेकिन क्योंकि वो गेम इतना चला नहीं तो फिर इन्होंने जो है दूसरे गेम्स में काम, मतलब जब से इन्होंने गेम बनाना शुरू किया, बल्कि ये जो स्टूडियो है वो दूसरे लोगों की मदद, दूसरे स्टूडियोज़ की जो है मदद करता है ना। और हाल और यहाँ तक इसने हेलो में भी काम किया है, मतलब हेलो गेम को बनाने में भी काम किया है। तो और आप जानते हैं यार हेलो कितनी बड़ी फ्रेंचाइजीज है। तो इसने रॉकस्टार ने जो है इस स्टूडियो को ख़रीद लिया है। अब ऐसा हो सकता है कि रॉकस्टार जो है मतलब इस पे आने वाले कौनसल में जो है काम करने वाला है, या तो हो सकता है कि वो जीत या तो हो सकता है उसको प्रेशर बन रहा हो वो GTA 6 के लिए जो है, मतलब GTA 6 का जो नया गेम बनाना चाह रहे हो उसके लिए उन्होंने ये स्टूडियो ब्लॉक किया, या फिर उन्होंने जो है ना वो GTA 5 GTA Online में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, या GTA 5 को PS5 में एनहेंस या एक्सटेंड करने के लिए इस स्टूडियो को ख़रीदा हो। साथ ही साथ और भी कई सारी लीक्स है ना, लेकिन ज़्यादातर चांसेस सेकंड वाली की है, क्योंकि सेकंड वाली में क्या है, मतलब रॉकस्टार जो है GTA 5 को एनहेंस और एक्सपेंड कर रहा है, साथ ही साथ और वो GTA Online में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। अब देखो, किसी भी चीज़ को एनहेंस और एक्सपेंड करना बहुत बड़ा काम है, ठीक है। और एक्सपेंड करना मेरा मतलब PS5 में जो उसमें और ज़्यादा नई लोकेशंस आ जाएगी और भी कई नई ज़्यादा चीज़ें आ जाएगी, तो इसमें बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। और PS5 और रॉकस्टार का प्यार तो किसी से छुपा है नहीं, है ना। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि रॉकस्टार ने जो है रफियन गेम्स को जो इसलिए खरीदा हो क्योंकि उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स की हिस्ट्री ना कभी सही नहीं रही। रॉकस्टार गेम्स में जितने भी लोगों ने काम किया आधे ज़्यादा तो उसकी उसको छोड़ के चले गए, क्योंकि वो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, और इसलिए उन्होंने सर रफियन गेम्स को ख़रीदा है ना। और ना और तीसरी और आखिरी बात यह जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी है कि रॉकस्टार जो है ना वो अलग मतलब अपने पुराने गेम्स को अपडेट कर रहा है, मतलब उनका रीमास्टर वर्जन बना रहा है, जैसे कि GTA San Andreas, Vice City, GTA 3, GTA 2 और इन सब को, क्योंकि ये सब ऐसे गेम्स हैं जिनमें ज़्यादा हाई ग्राफिक्स है। जैसे कि अभी Mafia 2 का एक नया वर्जन आया था, जैसे कि Mafia 2 का वर्जन आया था रीमास्टर वर्जन Mafia डिफेंटिव एडिशन, और भाई वो कितना मस्त था। मतलब पुराने में तो चलो ठीक है ग्राफिक गए ये सब गए, लेकिन जब उसका डिफेंटिव एडिशन आया तो। और हाँ एक और बात कि मतलब जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक मतलब एक फैन मेड वर्जन बन रहा था GTA San Andreas का हाई ग्राफिक में। अगर GTA San Andreas हाई ग्राफिक्स में होता तो क्या होता, लेकिन रॉकस्टार ने जो है उसके ऊपर स्ट्राइक मार दिया, उस वीडियो को हटा दिया। और रॉकस्टार ऐसा जब ही करता है जब बेसिकली है ना उस वीडियो को हटा दिया, उस पर स्ट्राइक मार दी थी है ना। लेकिन क्या हुआ, लेकिन और रॉकस्टार ना ऐसा जब ही करता है दरअसल जब वो आने वाले खुद ऐसा कर रहा हूँ या फिर उसके पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन जब GTA 5 आया था, रेड डेड रिडेम्पशन का एक मैप किसी ने बना दिया था कि GTA 5 में ऐसा मोड़ पर उसको बैन कर दिया गया रॉकस्टार ने, क्योंकि रॉकस्टार रेड डेड रिडेम्पशन पर ऐसा ही मैप लगा रहा था है ना। मतलब वो जो मैप है वो एक विलेज से काफ़ी सिमिलर था है ना। और फोर्थ रीज़न जो है वो हो सकता है कि वो एक नया गेम बना रहे हो, जैसे कि अभी रॉकस्टार का कोई नया गेम मिला नहीं है आजकल हमें, मतलब वही पुरानी सीरीज चल रही है GTA फ्रेंचाइजीज और भी कई सारी, रेड डेड रिडेम्पशन और मैक्स पेन और भी कई सारी सीरीज चल रही है, लेकिन हमें कोई नया गेम नहीं मिला, जैसे कि कोई भी नया गेम, जैसे कि हाल फिलहाल में जो नए गेम आ रहे हैं उनके हिसाब से तो हमें
कोई भी नया गेम नहीं मिल रहा रॉकस्टार से, हमें उन्हीं पुराने गेम्स का एक वर्जन मिल रहा है। और ऐसा हो सकता है कि वो जो रॉकस्टार गेम्स है वो एक नए गेम पे ऊपर काम कर रहा हो, लेकिन वह सबसे ज़्यादा वो तो सेकंड के ऊपर ही है। सबसे ज़्यादा तो मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस सेकंड नंबर के ऊपर है कि रॉकस्टार जो है वो PS5 मतलब GTA 5 को एनहेंस और एक्सपेंड कर रहा है। और ये हमारे लिए अच्छा है यार, क्योंकि अगर वो उसको एनहेंस एक्सपेंड करता है तो उसके उससे होगा, उससे हमारा फ़ायदा ये है कि हमें हमें GTA 5 में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और भी बहुत अच्छा, और भी और नई प्लेसेस, नई मिशंस, है ना, तो हमारे लिए अच्छा है एक तरफ से। साथ ही साथ जो है ऐसा भी हो सकता है कि मतलब रॉकस्टार जो है मतलब एक और, हाँ एक और चीज़ अभी सामने आ रही है कि रॉकस्टार की मतलब जो GTA 6 की है वो लिस्टिंग आ रही है, उसकी वेबसाइट्स बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब उसकी वेबसाइट्स बन रही है जो कि अभी तक GTA 6 लॉन्च ही नहीं हुआ, अभी तक रिलीज़ डेट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन उसकी वेबसाइट बन रही है, उसकी लिस्टिंग आ रही है, यहाँ तक कि बॉसों के यूट्यूब चैनल में भी जो नीचे गेम का आता है उनके भी रॉकस्टार मतलब GTA 6 की लिस्टिंग आ रही है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ तो इसके बारे में मुझे भी पता है। तो बेसिकली होता क्या है, आप जब भी अपने टॉपिक जो है आपको सर्च करना रहता है आपके डिस्क्रिप्शन में जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि किसी का कॉमेडी होता है, किसी का लाफ्टर, किसी का क्या, तो किसी का क्या, किसी का टीचिंग, तो किसी का क्या। अब मेरा है गेमिंग का, तो गेमिंग में आप टॉपिक सर्च कर सकते हो कि आपको कौन से गेम के ऊपर जो है आपका, और अभी हाल फिलहाल में GTA 6 का एक चल रहा है, फिर बाद में लोगों को पता चला कि लोग शौक हो गए, है ना, कि मतलब यार GTA 6 का कैसा आ रहा है, GTA 6 लॉन्च हो गया था, लॉन्च हो गया क्या। फिर बाद में लोगों को पता चला कि एक्चुअल में YouTube क्या करता है, अगर किसी भी चीज़ पर ज़्यादा वीडियोस बन रही होती है, ज़्यादा टॉपिक्स आते रहते हैं, तो वो उसकी एक जनरेट कर देता है अपने आप, उस गेम का जो है एक वेबसाइट का जनरेट कर देता है यूट्यूब पे, और इसीलिए वो ऐसा आ रहा है। वरना GTA 6 का इससे कोई कनेक्शन नहीं, रियल GTA 6 का, वो बस ऐसे बनाया गया है ताकि, क्योंकि लोग उसके ऊपर ज़्यादातर वीडियोस बना रहे हैं, और अभी तक मतलब 3 साल से उसके ऊपर इतनी वीडियोस बनी है, लिटरली 3-4 साल से GTA 6 के ऊपर, यहाँ तक कि अभी अब आप सोच भी नहीं सकते मतलब। और गाइस यही थी वीडियो यार, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और थैंक्स टू लेजी असेसियन चैनल, क्योंकि उन्होंने मुझे लीक्स दी। बस अभी और भी लीक्स है पर वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। और गाइस आज की वीडियो पसंद नहीं, गुड बाय। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप तो इसका मतलब है कि आप GTA 6 को लेकर वाकई सीरियस हैं, है ना। तो बेसिकली आपके लिए एक्स्ट्रा लीक, है ना, एक्स्ट्रा लीक दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते, क्योंकि एक बार जो है ये GTA का एक मैप भेज दिया गया ऑनलाइन पे, जिसको बताया GTA 6 का मैप बताया जा रहा है ना। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने मतलब ऐसे ही बना के भेज दिया हो, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है, मतलब जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 का किसी ने मैप बनाया था और वो भी रॉकस्टार ने वो डिलीट कर दिया था, क्योंकि भाई वो उस पर वो काम कर रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब ये जो है GTA 6 का ही मैप हो, लेकिन अलग और ऐसा ही, हाँ 2 साल बाद ऐसा ही, हाँ उसी वक्त पे ऐसा ही एक और मैप बनाया गया था, मतलब दोनों मैप एग्जैक्ट सेम ही है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये वाला मैप बनता है, और ये दोनों तो बिल्कुल बहुत पहले से बना दिया गया था, है ना, और इन दोनों को मिलाकर ये, तो ये देखो अब दो रीज़न है, या तो ये कोई नई सिटी होने वाली है, या फिर ये GTA 6 का मैप है, ठीक है। या तो ये जब PS5 का एक्सटेंड वर्जन आएगा जबकि ये कोई नई सिटी होने वाली है, या फिर ये GTA 6 का मैप है। अब दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं कोई पक्के तौर पर नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आज वीडियो पसंद नहीं, गुड बाय।